नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूँ आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया खास रिपोर्ट का। उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अब प्रचार का शोर थम रहा है और बुधवार को वोटिंग का दिन है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस और सपा के गठबंधन को लेकर जोरों शोरों से शोर चल रहा, लेकिन प्रचार के मैदान में कांग्रेस का सुपरस्टार गायब रहा। इंडिया गठबंधन की हवा में कांग्रेस ने सपा को अपना समर्थन तो दे दिया, लेकिन सपा के लिए रैली करने की मशक्कत किसी ने भी नहीं की। चुनावी अभियान में कहीं भी दो लड़कों की जोड़ी यूपी में नहीं दिखी, जिसके लोकसभा चुनाव में दम दिखाया गया था। यानी जिसके दम पर लोकसभा चुनाव में दम दिखा था, वो यूपी उपचुनाव से गायब रहे। इसका मतलब क्या है? क्या यूपी की सियासत में कांग्रेस का पूरा फोकस अब नहीं रहा? क्या महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी और केरल महाराष्ट्र की राजनीति पर ही कांग्रेस राज करेगी और यूपी की सियासत अकेले ही सपा को करनी पड़ेगी? बड़ा सवाल है। चलिए पहले तो आपको याद दिलाते हैं, जब लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मिलकर यूपी की राजनीति को नई दिशा दी थी। कांग्रेस सपा गठबंधन ने मिलकर सूबे में 43 सीटें हासिल की थी और दोनों की जोड़ी को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं थी। लेकिन इस बार उपचुनाव में कांग्रेस ने सपा को तुम ही संभालो हम तो गए कहीं और का संदेश दे दिया है। सीटें नहीं मिल रही थी तो कांग्रेस ने अपनी चुप्पी साध ली और सपा को वॉकओवर दे दिया। ना सीट ना वोट, बस जीत की बात। वहीं अब यहां तक तो ठीक था, लेकिन फिर क्या हुआ जब सपा ने उम्मीद जताई कि कांग्रेस के बड़े नेता चुनावी प्रचार में उसके साथ आएंगे तो सपा को तुम अकेले ही लड़ो हम तो थक गए वाला सीन मिल गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अजय राय, अविनाश पांडे, ये नाम कहीं नहीं थे। अगर किसी नेता को देखा गया तो वो थे अमेठी के केएल शर्मा, जो सपा के मंच पर नजर आए, और बाराबंकी से कांग्रेस सांसद तनुष पुनिया भी गाजियाबाद में सपा के लिए वोट मांगते दिखे। बाकी कहां गए, सिर्फ खामोशी रही। अब जब कांग्रेस ने ये ठान लिया है कि यूपी के चुनावी रिंग में वो चुप रहेगी तो सपा के पास कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन सपा तो चैलेंजर खिलाड़ी निकली और उसने गांधी परिवार के बिना भी अपनी पूरी ताकत लगाकर प्रचार कर डाला। अखिलेश यादव ने सभी 9 सीटों पर सपा के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया और कहा कि बात सीट की नहीं जीत की है। कांग्रेस का मुस्लिम चेहरा नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी अब महाराष्ट्र में कैंप कर चुके हैं। यूपी के अन्य बड़े नाम इमरान मसूद, सलमान खुर्शीद, इमरान प्रतापगढ़ी और प्रमोद तिवारी, इन सभी ने उपचुनाव के प्रचार से कुछ ऐसा ही किया जैसे हम आ रहे हैं पर थोड़ा लेट हो जाएंगे। यूपी के कांग्रेस संगठन के महासचिव अनिल यादव कहते हैं, प्रियंका गांधी वायनाड से खुद चुनाव लड़ रही हैं तो क्या करें, वो वहीं पर व्यस्त हैं। लेकिन असल में जो तंज है वो सिर्फ यही है कि सपा अकेले ही चुनावी दंगल में साइकिल चला रही है, जबकि कांग्रेस का आलम यह है कि वो दूसरे राज्य के चुनावी कारवां में मोहब्बत के गीत गा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस की इस चुप्पी से सपा का सपना चूर हो जाएगा या फिर सपा अपनी नैया पार कर लेगी। यूपी के उपचुनाव का खेल अब ज्यादा दिलचस्प हो गया है। भाजपा, बसपा, AIMIM और बाकी दल तो अपनी पूरी ताकत लगा रहे, लेकिन कांग्रेस के गुमनाम रह जाने से सपा का सियासी समीकरण थोड़ा सा उलझन में जरूर फंस सकता है। मीरापुर और कुंद्रा की सीटों पर तो सपा का समीकरण खासा अनोखा हो गया है, क्योंकि इन दोनों सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी और दलित वोटों का खेल सपा के लिए सिरदर्द बन सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जोड़ी की दूरी सपा के लिए नई पहेली बन सकती है। सपा के बड़े नेता क्या आगे किसी सियासी तस्वीर में नजर आएंगे, ये बड़ा सवाल है, या फिर ये चुप्पी सपा के लिए बड़े तूफान का कारण बनेगी, वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल ये जोड़ी जरा गुमसी लग रही है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।